दर्शक बंधु जमीक आपण मैंने जानते कि ताइवान और चीन मध्य जो भाई भाव में युद्ध होशिया यूक्रेन मध्य जो भाव में युद्ध होष्ट प्रमाणित हो कि बर्तमान युद्ध सामान्य भिन्न पूर्व युद्ध मानक कारण पूर्व युद्ध मानक महाकाश रे समुद्र रे एवं भूमिगत युद्ध रही किंतु एबे लागू छि एमिति कि एही युद्ध ए तीनटी को छाड़ी अंतरिक्ष रे मध्य अपार संभावना को एड़ी दे हबो ना। वर्तमान प्रश्न उठुछि अंतरिक्ष रे युद्ध केमिति हबो। युद्ध रे वर्तमान रो जो विकसित देश माने पृथ्वी कक्ष चारिपटे बुलुथिबा सैटेलाइट छाड़ी चंती समस्त तथ्य सूचना पाइबा एही सैटेलाइट गुड़ी को उड़े दबा बा महाकाश रे ही खत्म कर दबार पर्याय अंतरिक्ष युद्धर पर्यायभुक्त करकोसी युद्ध में शत्रुपक्षर टार्गेट आक्रमण करुवा देशर समस्त तथ्य सूचना निज देश को पठाई थाएं जो मैंने आक्रमण करते प्रथम यह सैटेलाइट को ही उड़ेदेलापर से देशर सत्य सूचना शत्रु देश में न पहुँचव केमी यार व्यवस्था कर दृष्टिकोण ASAT अर्थात आंटी सैटेलाइट अटैकिंग हथियार बोली आम कह विकसित करतमान समग्र विश्व में जो देखा जाए तो अमेरिका रशिया चीन एवं भारत एभली परीक्षण करमी सैटेलाइट को उड़े दिया यार भविष्य कथा कहवा पूर्व जदि आम यार इतिहास को देखा तोहली घटना जन्म नहीं 1957 1957 रशिया स्पुटनिक 1 को अंतरिक्ष को प्रेरण करथिला किंतु एहा को एक परमाणु संपन्न एवं जहाँ परवर्ती अध्याय विश्व को विपद हो बोली अमेरिका त्वरित गति रे ASAP नामक एक बालिस्टिक मिसाइल निर्माण करथिला जहाँ एभली सैटेलाइट मान को उड़े दबारे सक्षम एहा हुचि प्रथम अंतरिक्ष मिसाइल को हिट करबा भली प्रथम प्रक्रिया जहाँ को बोल्डियन बोली मध्य कहा जाए यह देखि त्वरित गति रे रूस को ऑर्बिटल नामक एक बालिस्टिक मिसाइल को जन्म देता जहाँ खतरनाक भाव में सैटेलाइट को उड़े दबार क्षमता रखी थाए 2007 चीन मध्य दिगरे सामिल हो गला एवं निजर बालिस्टिक मिसाइल जरिया रे निजर पुराणा सैटेलाइट को उड़े दबार सक्षम होता जहाँकि महाकाश में अनेक गुड़ी अंश व कचड़ा बोली कहवा जमा होता तेणु एसब घटना को देखि 2022 प्रथम थरपाई अमेरिका सैटेलाइट को उड़े दबार जो प्रक्रिया व आंटी सैटेलाइट हिट को प्रतिबंध परिवार जना पड़ा एवं द्वितीय कथा हला जे प्रकृत रे आंटी सैटेलाइट अटैकिंग हत्या टी कौन दुई भाग राकु आमे विभक्त करि परिबा। प्रथम कथा हला शक्ति जरिया रे सैटेलाइट को अंतरिक्ष रे उड़े दबा जेमति कि रॉकेट जरिया रे बैलिस्टिक मिसाइल जरिया रे सैटेलाइट को हिट करि ताकु अंतरिक्ष रे उड़े दबार प्रक्रिया जहाँ को काइनेटिक एनर्जी द्वारा साधित करा जाय तेणु द्वितीय कथाटी हला नॉन काइनेटिक एनर्जी एथिरे कोनोसी ड्रोन रॉकेट बा बैलिस्टिक मिसाइल यूज हुए नहीं किंतु सैटेलाइट को उड़े देवा को हेले एथिरे साइबर आक्रमण को संयुक्त करा जाय अर्थात नॉन काइनेटिक एनर्जी रो आंटी सैटेलाइट जो हथियार रही एथिरे नॉन काइनेटिक एनर्जी द्वारा लेजर जरिया ही अंतरिक्ष रे घूरी बुलुथबा सैटेलाइट को अकामी कर दिया जाए विपद या कि एहाकु आकाश सीमारु करा जाय पारे माटी तळे करा जाय पारे बा भूमि उपरे करा जाय पारे तेणु साइबर आक्रमण द्वारा जो अटैक करा जाए बिना बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा यह आजिका दिन में सबुठारु घातक संपन्न कार्य बोली विवेचित करा जाय प्रश्न उठुची ए दिगरे भारत वर्तमान स्थिति कौन एथिपूर्व भारत पाखे जो आंटी सैटेलाइट हथियार था यह कहुए पृथ्वी एयरबोर्न सिस्टम बोली जहाँकि प्रद्युमन बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल बोली आख्या पाई उभय आटमोस्फेरिक वा परिवेशगत टार्गेट को मध्य हिट करिवार सक्षम रखे किंतु एबे DRDO र वैज्ञानिक माने एहाकु अपग्रेड करचंती वा उन्नत मानर करचंती एवं जहां प्रथम ठारु आहुरी क्षिप्र एवं आहुरी विध्वंसक पालटी जेमते कि एहार रेंज जदि देखिबा ताहले पाखापाखि 2000 किलोमीटर 1470 रु 6127 किलोमीटर प्रति घंटा गति रे एहा टार्गेट पाखरे पहुंची पारे आगामी दिन में यह आहरी विकसित कर लक्ष्य रखिंट DRDO वैज्ञानिक मैंने एमती भी जदि नजर देखा तो हेल्ले DRDO बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल जरिया प्राय 300 किलोमीटर उच्चतार घूरी बुलुवा सैटेलाइट को उड़ाई देखा तेणु संप्रति आम जापारे कि
ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେତେ ଦୂର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସକ୍ଷମ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉଡ଼େଇଥିବା ଦେଶ ଯଦି କହିବ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନକୁ ବୁଝାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ହତିଆରକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତମାନର ଦିନକୁ ଦିନ କରିହେବ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡିଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ରିପୋର୍ଟର୍ସ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର, ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ବୟ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସିଭି ସହିତ ଆମକୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡି officialdtvodia@gmail.com। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9348063560, 7978787854।